2007 से मामला चल रहा है और हमारी चार बेटियों को, दो बालिग हैं दो नाबालिग हैं, ये सब आश्रम में नाम आश्रम में बरा फुसला करके ले गए और बाबा के माया जाल में फंस गई हैं। कौन से बाबा? वीरेंद्र दीक्षित, संचालक वीरेंद्र दीक्षित, संचालिका कमला दीक्षित, इस अंगुली फंस गई। वहाँ पे वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन सब विद्या का प्रयोग करते हैं और ब्रेनवास भी करते हैं। और काफ़ी लिखा पढ़ी मैं किया, शासन प्रशासन को मैं दिया, हाई कोर्ट में भी गया, उसके खिलाफ वीरेंद्र जीत ने सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में एक बार उन वीरेंद्र जीत ने उनका खारिज हो गया और दूसरी बात वो मुहारा बनाए वीरेंद्र जीत के, कहे कि तुम्हारी चारों लड़कियां हमारे पास हमारे चंगुल में हैं, अगर तुम हमारे फेवर में बात नहीं कर कोर्ट में बयान देती हो तो तुम्हारे आदमी को हम जान से ख़त्म करवा देंगे। वो डर के भयभीत हो गई, अपने फेवर में बयान करा लिए, करने के बाद खारिज हो गया। फिर उसके बाद में विजय विहार दिल्ली में मुकदमा दर्ज हुआ। 2015 में हमारी पत्नी मकान बेचने के चक बेचने के लिए उस लोग भेज वीरेंद्र पीछे, और यहाँ मुकदमे के दौरान में मकान नहीं बिक पाया और उसके बाद में वहाँ का करतूत उनको पता था तो सोची कि हम चारों लड़कियों किस तरह से निकालो, तो मुकदमा पंजीकृत हुआ। मुकदमा होने में प्रशासन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं हुआ, ढीलवाई FIR दर्ज हुआ लेकिन ढीलवाई कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद में हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट दिल्ली में, वहाँ से जज महोदय ने CBI को हमारे केस को सौंप दिए, तभी से जांच पड़ताल चल रहा है और छापामारी चल रहा है। उम्मीद है कि मुझे हमारी चारों लड़कियां मुझे वापस मिल जाएंगी। आशा लग रहा है हाँ मिल जाएंगी। हम वहाँ पर गए थे, हम तो झाड़ू पोछा लगवा देते, मम्मी से मिलने नहीं देते थे, बहनों से भी नहीं मिलने देते थे, और हम वहाँ से कैसे तरह निकल के चले आए। उसके बाद हम हमारे पापा बहुत प्रयास कर रहे हैं बहनों को निकालने के लिए, नहीं निकल पा रही हैं। अभी कहाँ पे है इनका, किस जगह है आश्रम, कहाँ गए थे? लखनऊ में गए थे और दिल्ली में भी है। दिल्ली में भी है। अच्छा, वहाँ पे बहनों से नहीं मिलने देते? नहीं मिलने देते। क्या कहते थे? कहते नहीं मिलना उन लोग से, तुमको यहीं पर रहना है। बाबा से तुम्हारी मुलाकात हुई थी? नहीं, बाबा से नहीं मुलाकात हुई थी।